नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे एक सीरीज के बारे में, नाम है रफू चक्कर। आई है ये जियो सिनेमा पे। इसके डायरेक्टर हैं रतिम श्रीवास्तव। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज के रिव्यू के साथ साथ आपको यह मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। तो शुरुआत करते हैं स्टोरी लाइन से, और इस सीरीज की कहानी शुरू होती है नैनीताल से। एक सेलिब्रेशन चल रहा होता है और वहीं पुलिस पहुंच जाती है। पवन कुमार बावरिया नाम के एक व्यक्ति को वो गिरफ्तार करती है और फिर उसको अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में पेशी के दौरान उसके ऊपर एक एक करके चार्जेज लगाए जाते हैं और ये बताया जाता है कि पवन जो है एक बहुत बड़ा कॉनमैन है और इसने कई लोगों को धोखा दिया है, उनको चूना लगाया है। तो शुरुआत के जो दो एपिसोड हैं उसमें एक बड़े बिजनेसमैन को चूना लगाने की कहानी दिखती है, फिर तीसरे एपिसोड में एक और कहानी दिखती है। तो दोस्तों इस सीरीज की जो कहानी है वो बेसिक कहानी तो ठीक है, लेकिन राइटिंग और स्क्रीन प्ले में कई कमियां हमको दिखती है। डायरेक्शन में का भी यही हाल है। अब देखिए, पवन अदालत में पेश कर दिया गया, अब पुलिस ने क्या चार्जशीट फाइल की, इस तरह की बात। यहाँ फिर एक कोर्ट रूम ड्रामा हमको दिखता है, लेकिन उसमें भी बहुत ऐसा दम नहीं है। एक सिंपल तरीके से होता है कि जब चाहे गवाह को बुला लिया, एक सवाल पूछ लिया और कुछ इस तरह के आर्गुमेंट हो रहे हैं। और दोस्तों देखिए, पहले दो एपिसोड में हमने देखा कि एक बड़े बिजनेसमैन को चूना लगाया गया, लेकिन इसमें भी कई चीज़ें हैं। जैसे कि कोई भी कॉनमैन अगर होता है तो उसका मॉडस ऑपरेंडाई यानी कि काम करने का तरीका क्या है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ एक बड़ी बात तो दिखा दी गई कि ड्रोन के सहारे से एक बैग लूट लिया गया, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई कुछ और थी, लेकिन उसको हमको दिखाया नहीं गया, बस पुलिस कर्मियों ने उसको हमको बता दिया। तो ये जो इंटरेस्ट था कि किस तरह से कॉनमैन धोखा दे रहा है वो उतना फिर लगा नहीं। जो दूसरी कहानी है वो भी सिंपल ही कही जा सकती है। तो अभी तक तो दोस्तों 3 एपिसोड आए हैं और ये जो 3 एपिसोड हैं ये एवरेज ही कहे जाएंगे, या आप बिलो एवरेज भी इसको कह सकते हैं। हालांकि मनीष पॉल यहाँ जबरदस्त लगे हैं और जो उनका अलग अलग गेटअप है वो देखना भी हमको ठीक लगा है। सुशांत सिंह हमको दिखे, प्रिया बापट दिखी है, तो अभिनय के हिसाब से ये सीरीज ठीक चल रही है। और दोस्तों देखिए कि जियो सिनेमा एक पैटर्न पे अपनी चीजें रिलीज कर रहा है, पहले 2 एपिसोड फिर एक एक करके 1 एपिसोड, और इनको लग रहा है कि इस तरह से वो ज्यादा इंगेज कर पाएंगे दर्शकों को। लेकिन OTT पे तो कंटेंट की बाढ़ आ रही है, हर हफ्ते बहुत कुछ आ रहा है देखने को। तो ऐसा नहीं है कि आप एक एक एपिसोड रिलीज करेंगे और लोग इंतजार कर करके देखेंगे। तो ये जो पैटर्न है इसको ब्रेक करना होगा जियो को, और ये समझना होगा कि आपको अपना कंटेंट दर्शकों के सामने रखना होगा। आप कंटेंट रखेंगे तभी एंगेजमेंट बढ़ेगी। पता नहीं ये बात जियो के समझ में क्यों नहीं आती है। तो अभी 3 एपिसोड आए हैं और 3 एपिसोड जो है वो जैसा मैंने कहा कि एवरेज है या बिलो एवरेज ही आप कह सकते हैं। तो अभी आगे के एपिसोड में क्या होगा उसके बाद ही कुछ कहना ठीक रहेगा, लेकिन अभी की स्थिति तो ये है कि अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर दें तो कोई ऐसी बात नहीं। और तब तक आप मेरे चैनल को देखते रहिए, मेरे वीडियोज़ को देखिए, लाइक कमेंट शेयर करिए। धन्यवाद।